अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जायद सोहेल है। अभी कुछ 2-3 दिन पहले से वीडियो वायरल हुई मेरे ऊपर, मेरे ब्रदर इन लॉ आज़म अली ख़ान और उनके मेरे वाइफ जो है फरीन खान और उनके मदर जो है फरीदा बेगम, एक वीडियो वायरल कर रहे हैं कि मैं उनको मारा करा आके घर पे बोल के। लेकिन उसकी असलियत क्या है मैं आपको उस वीडियो के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ। अभी मेरी शादी जो है सो 11 जुलाई 2023 में हुई थी। उन्होंने मेरे साथ फरीन खान मेरे साथ 1 ही महीना रहे, 1 या 1.5 महीना कुछ रहे। उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद उन्होंने घर को चले गए उनके भाई के साथ। हम ना डेली उनको फ़ोन कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं क्या हुआ, तबीयत कैसी है, ये वो बल्कि बोले तो उन लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे थे। अब जैसा ही उन्होंने गए, उसके दूसरे दिन हमारे मम्मी फ़ोन करे, फ़ोन करके उनके वालदा से बात करे, तो उनके वालदा जो बोले उसकी रिकॉर्डिंग आप ये वीडियो के जरिए सुनिए। अभी और जो अटैक करे बोल के बोल रहा हूँ ना, उल्ला खुद मेरे घर पे आके रात में 2 बजे से, जो मेरे साले के ससुरे हैं जिनका नाम खालिद खुलेदी है, जो रवि बोले के रहने वाले हैं, उन्होंने अब आके जो सो मेरे घर के पास 2 या 3 बजे कुछ प्लानिंग करे किसी के साथ आके कि कैसा मारना है क्या करना है उनके साथ। एविडेंस कुछ है जी? मेरे पास एविडेंस है, उसकी वीडियो है, 2-3 बजे के भी जो आए थे उसकी भी वीडियो है। और उन्होंने अमान खान बोलते हैं उनके चाचा है, मेरे चाचा ससुरे चचा ससुरे होते हैं ना, उन्होंने उनके बच्चों को भेजे, इन्होंने उनके बच्चों को भेजे, सब बच्चे मिलके खानदान वाले मिलके मेरे घर पे, मैं फजर में निकल रहा था, मेरे ऊपर अटैक करे, मेरे ऊपर बहुत अटैक करे, घर में घुस के मारे मेरे को। और फिर मैं बाहर निकला तो बाहर भी पकड़ के मारे, ना लकड़ियाँ वकड़ियाँ लेते, उसमें पूरे ब्लेड्स लगे हुए थे, रेजर ब्लेड्स, और मेरे ऊपर गनेट डालने आ रहे थे। सास का स्टेटमेंट में ये कहना था कि आपने सास पर और आपकी सालों पर जानलेवा हमला किया, इसके ऊपर आपका क्या कहना? नहीं नहीं उसका अगर वैसा है तो उन लोगों को कुछ, मैं अगर ऐसा रहता 4-5 जने मिलके लेके आके मारता करता, चाकू उन बोल रहे हैं ब्लेड चाकूँ लेके गया, रोडा लेके गया, उन लोगों के ऊपर कुछ भी मार्क का कुछ निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब झूठ है बात। उल्ला मेरे घर का ना के प्लानिंग करके मेरे को मारे, मेरे को मारा है, मेरे भाई को होठ फट गया, उल्ला रेजर ब्लेड लगा के लाए थे लकड़ी को, मुन्ना खुलेखी खालिद खुलेखी जो है उनके बेटे आए थे लकड़ी लेके, लकड़ी को पूरा रेजर ब्लेडा लगे हुए थे उसकी तरफ से, मारा लगे वो ब्लेड। हाँ मेरे को पूरे पीछे पीठ पे लगे हुए उसके फोटोज है मेरे पास। कंप्लेन क्या है? कंप्लेन हाँ मैं मादाना पेड़ में उसी टाइम जाके कंप्लेन करा, मादाना पेड़ में FIR भी हुई। अभी इसके ऊपर ज्यादा उन लोगों के ऊपर चार्जेस नहीं लगे, इंशाल्लाह आगे लग जाएंगे चार्जेस वीडियो देखने के बाद। अभी एविडेंस देना हूँ मैं, मेरे पास एविडेंस है। आपका और आपके वाइफ का झगड़े का मोटिव क्या था? झगड़े का मोटिव कुछ भी नहीं है, उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने घर को चले गए थे। मैं हमारे साले जो आज़म अली खान है उनको बुला के बोला था, इन्होंने कुछ बहके बहके चाले कर रहे थे। अब उन्होंने बोले कि जो है सो मैं कह झूठ बोली, उसके वास्ते मैं 100 दिन रोजे रहती हूँ, आया तो 200 लोगों को खाना खिलाओ पर। मैं बोला ये कैसी बात है ये, तो उनके भाई को बुला के बोला ना कुछ बहके बहके बात करें, नमाज उल्टी पढ़ रहे हैं, क्या हो गया कि इनको, अब एक बार देखिए बोलते। उन्होंने आके खींच के लेके चले गए बच्ची को। लेके जाने के बाद हम लोग फ़ोन करेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे उन लोग। नहीं करने की सूरत में हमला, मैं उनके चचा कन जाके बात करा कि भाई देखो ये क्या है, मेरे को अपडेट कुछ नहीं मिल रहा। तो आज़म अली खान फ़ोन करके मेरे को ये बोले एडवांस काम मत करो ये वो बोल के, बड़ों में बात हुई हम लोग का, बड़ों में बात हुई तो खालिद खुलेदी जो डबलपुरे के रहने वाले हैं साले के ससुरे, उन्होंने आके बोले कि जो है सो आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए ड्रग्स लेता हूँ ये वो। तो मैं बोला मेरा ड्रग्स का टेस्ट करा लो आप, अभी मेडिकल साइंस से करा सकते थे। मैं PS में भी वो बोला कि मेरा मेडिकल टेस्ट करा लो आप, तो उल्ला क्या बोले नहीं नहीं टेस्ट कुछ भी नहीं कराते हम ना, आप जो है सो पैसे दे दो, हम लोग को 6 लाख रुपए दिए होते पैसे दियो। बोला मैं प्रूफ देने रेडी हूँ, तो भी फिर भी पैसे पूछते जा रहे हैं चलना, अगर पैसे नहीं देंगे तो खून खराबा हो जाएगा। बोले खालिद खुलेदी किसको किसको की ले गए थे, खून खराबा हो जाता है वो बोल के बात करे थे। तो मैं क्या करा, कंप्लेन करा मैं मादाना पेट PS में, बालापुर PS में ये कंप्लेन है पूरे मेरे पास। 12 जनवरी को कंप्लेन करा मैं कि मेरे पर अटैक हुआ, मेरे पर अटैक होने वाला है, मेरे को धमकियाँ दिए और जो है सो बच्ची की तबीयत सही नहीं है, बच्ची को MLC को भिजवाओ बोल के बोला। तो मेरे को फर्स्ट बालापुर में बुला के ऐसा ही बोले काउंसलिंग करने ला नहीं दी, नहीं बच्ची की तबीयत खराब है हम ला नहीं ला सकते ये बोल के बहाने बना के लेके चले गए। तो फिर बालापुर ऐसा ही क्या करे, मैं बिना मेरी परमिशन के मेरी कंप्लेन मेरी जो पिटिशन थी क्लोज कर दिए। तो मैं कंप्लेन क्लोज होने की तरफ से मैं ACP को कंप्लेन दिया कि मेरी पिटिशन बिना मेरी परमिशन के क्लोज हुई, उसका मेरे पास एविडेंस भी है। उसके बाद उन्होंने क्या करे, वुमेंस PS अप्रोच करके WPS में डाउरी केस करे, 13 फरवरी को कंप्लेन करे, हालांकि उन्होंने कहा अगस्त से नहीं रह रहे। तो उन्होंने जब से जनवरी तक मैं कंप्लेन कर सक सो रहे थे क्या इतने दिनों से। तो आपके घर वाले
आपकी और आपके ससुराल में कोई बातचीत बड़ों के बीच में नहीं हुई? नहीं, बड़ों के बीच में हुई हुई तो ना यही बोले मेरे पर इल्जाम लगाए कि बहुत कई सारे इल्जाम लगाए जो नहीं बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो इल्जाम लगाया कि जो है तो मैं हर चीज के लिए रेडी था कि मेरा टेस्ट करा लो हर चीज है, तो नहीं 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 पैसे होना हमारे को ना खून खराबा कर देते, बोलते बड़ों में भी इस बात करें ना के। तो उसके बाद भी फिर मैं पैसे उनको थोड़े बहुत ठीक है भाई ये आप उन्ना बोले दे दो, तो मैं देने रेडी हुआ था, उन्ना बोले इतने नहीं होना, बोल के बढ़ाते जाके पैसे इतने नहीं उतने नहीं बोलते बढ़ाते गए। तो ये प्रेस मीट लगाने का मतलब मकसद क्या था आपका? ये प्रेस मीट का मकसद ये है मेरा कि मेरे को अभी भी जान का धोखा है आजम अली खान से और उनके कजन जो है इंजमाम है और शहबाज है और खालिद खुलेदी के बेटे है खालिद खुलेदी है, लेकिन अभी भी मेरे घर के पास फिर रहे कर रहे हैं, अभी भी मेरे को मारने करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जब भी मेरे को गले डालने की प्लानिंग करे थे ना अलहमदुल्ला अल्लाह के बदलते बच गया मैं। तो अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, मैं ऑलरेडी बोला था शुरू में ही जनवरी में ही बोला था लेकिन अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिए या प्रोटेक्शन नहीं मिली मेरे को, इसलिए आज मेरे को अटैक हुआ। कल के दिन फिर मेरे पर कुछ अटैक होगा तो मैं इसके लिए यही बोलना चाह रहा हूँ पुलिस मादानाबेट पुलिस स्टेशन से कमिश्नर से और डीसीपी साउथ ईस्ट जोन से यही मेरे को बोलना रिक्वेस्ट है कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि कभी भी मेरे पर अटैक हो सकता, मेरे वालदा घर पे भी घुस के ना मार सकते, घर में घुस के ही मारे ऑलरेडी, मेरे पापा की शॉप है ओल्ड एज है उनके ऊपर भी अटैक हो सकता, मेरे भाई के ऊपर भी अटैक हुआ, तो मेरा यही कहना है रिक्वेस्ट है पुलिस से कि मेरे को प्रोटेक्शन दी जाए। ओके शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकद्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब शानदार शाहकार मजबूत और पायदार दिलकश और दिलनशीन शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ 29,999 रुपीस। जी हाँ फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।